पूरे भारत को जय हिंद. दिस इज लेफ्टिनेंट मानस एंड वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो मेजर ब्लॉग्स. इन दिस वीडियो विल मीट विद सीनियर एंड ऑफिसर युक्षित दास फ्रॉम डीएवी कॉलेज टिटलागढ़ एंड सी हैज रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम वाईईपी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम अंडर एनसीसी. और उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि उनका जर्नी कैसा रहा स्टार्टिंग से एंड तक. मतलब ये सब आपको बताएंगे कि आप अगर आपको भी जाना है वाईईपी में थ्रू एनसीसी हाउ यू कैन ज्वाइन. जय हिंद एवरीवन. आई एम सीनियर अंडर ऑफिसर इप्सिता दास फ्रॉम डीएवी ऑटोनॉमस कॉलेज टिटलागढ़ 11 ओडिशा बटालियन बलांगीर. आई हैव जॉइंड एनसीसी इन द ईयर 2021 एंड आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर रिपब्लिक डे कैंप 2023. इन रिपब्लिक डे कैंप आई हैव बीन ऑल्सो सिलेक्टेड फॉर कर्तव्य पथ. आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई हैव मार्च इन कर्तव्य पथ. एंड बेसिकली आई हैवंट ड्रीम्ड ऑफ लाइक अटेंडिंग यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम बिकॉज in RDC I was in the event of drill and basically drill cadets do not get any chance for studying and youth exchange program is all about written test drill test and group discussion and interview. Abhi isse tha janenge ki if want to join YP youth exchange program under NCC how one can join, what is the procedure? बेसिकली हमें रिपब्लिक डे कैंप के लिए सिलेक्ट होना पड़ेगा पहले. और मैं भी बहुत से कैंप्स होके मैं गई हूँ. सीएटीसी कैंप्स मैंने बहुत किया है, आईजीसी कैंप्स मैंने किया, उसके बाद मैं आरडीसी के लिए सिलेक्ट हुई थी. और आरडीसी के लिए सिलेक्ट होने के बाद डायरेक्टरेट लेवल में भी पहले मैं अपना सिलेक्शन दी थी. इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, रिटन टेस्ट और ड्रिल टेस्ट सब हुआ था. उसके बाद वहाँ पर दिल्ली में जाकर भी मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए थे. पहले दिन में हमारा हुआ था रिटन टेस्ट और उसके बेसिस पे सिलेक्शन भी हुआ था. कुछ कैडेट्स कट भी गए थे, हम लोग टोटल 300 कैडेट्स थे. और उसके बाद हुआ था ग्रुप डिस्कशन और फिर ड्रिल टेस्ट भी हुआ था. तो उसके बेसिस पे, ओवरऑल बेसिस पे हम लोग मतलब डिसाइड होता है कि एक कैडेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए जा पाएगा या नहीं. अच्छा इप्सिता, कितना टाइम इसमें सब स्पेंड करना होता है? मतलब स्टडीज हैम्पर होता है या आरडीसी और वाईपी मिलाकर कितना टाइम टोटल जाता है? नहीं सर, मतलब बेसिकली आरडीसी तो फॉर अ लॉन्ग वन मंथ होता है. तो हाँ, थोड़ा सा स्टडी तो हैम्पर होगा ही, बट एक बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. तो वो चीज़ है, मतलब एक नेशनल प्लेटफॉर्म में आप जा रहे हो, अपने स्टेट का नाम रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उससे प्राउड वाली बात और कोई होगी नहीं. तो ठीक है, अगर स्टडी थोड़ा हैम्पर हो रहा है तो हमें खुद मैनेज करना पड़ेगा बिकॉज एन एनसीसी कैडेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिविलियंस. तो एनसीसी कैडेट होते हुए हमें ओवरऑल हर तरफ से मैनेज करना पड़ता है सर. ओके, और एक चीज़ है इप्सिता, वाईपी से आने के बाद और आरडीसी से आने के बाद सब लोगों का रिएक्शन कैसा था? मोस्टली पेरेंट्स, सीनियर्स, एक्स कैडेट, कॉलेज स्टूडेंट्स, एवरीवन. और मीडिया वालों को तो होगा, मैंने न्यूज़ में भी देखा था इप्सिता का इंटरव्यू और वहीं से मेरे को पता चला कि शी सिलेक्टेड फॉर वाईपी. बेसिकली सारे लोग तो बहुत खुश हुए थे बिकॉज टिटलागढ़ से ऐसा कोई हुआ नहीं था. ये तो सबसे मतलब पहली बात है कि कोई फॉरेन कंट्री के लिए सिलेक्ट हुआ था. तो मैं मतलब खुद के लिए भी बहुत खुश थी, मेरे परिवार वाले भी सारे बहुत खुश थे, एक्स सीनियर्स, एनओ सर, सीओ सर इवन भी बहुत प्राउड फील कर रहे थे उस चीज़ को लेके. बिकॉज हमारे बैटालियन से, हमारे कॉलेज से मैं पहली कैडेट थी जो कि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुई थी. एंड दिस इज़ रियली अ प्राउड मोमेंट. और इप्सिता, तुम कुछ बता रही थी डेलीगेशन के बारे में, रैंकिंग के बारे में. फर्स्टली हम लोग रिटन एग्ज़ाम जब देते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग का ग्रेडिंग भी होता है. मतलब ओवरऑल हमारा जितना भी हमारा टेस्ट होता है उस हिसाब से कैडेट्स लोग का रैंकिंग होता है. और जितना डेलीगेशंस आता है कंट्रीज़ का, अगर पहले कंट्री का यूनाइटेड किंगडम या मतलब लंदन का अगर आता है तो रैंकिंग के हिसाब से जो पहले रैंक 10 कैडेट्स हैं वो लोग जाएंगे लंदन के लिए. फिर उनके बाद जो नेक्स्ट 10 कैडेट्स हैं रैंकिंग के हिसाब से नेक्स्ट डेलीगेशन के लिए वो लोग सिलेक्टेड होते हैं. रशिया में पहुँचने के बाद पहला रिएक्शन क्या था? सर मैं जब तक रशिया में पहुंची नहीं थी तब तक तो मैं बिलीव भी नहीं कर रही थी कि मैं जा रही हूँ रशिया. बिकॉज मैं इतना तो नहीं सोची थी कि इतने कम एज में मैं कोई फॉरेन कंट्री विजिट कर पाऊँगी. बिकॉज बीइंग फ्रॉम अ नॉर्मल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, आई हैवंट थॉट ऑफ. बट जब मैं पहुंची रशिया तब इट वॉज़ लाइक ड्रीम कम ट्रू फॉर मी. एंड वहाँ पर जाके हमने बहुत कुछ सीखा है, टाइम मैनेजमेंट सीखा है बिकॉज रशियंस आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर टाइमिंग. सो बहुत कुछ हमने सीखा है, कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ है वहाँ पे जाके, हम लोग इंटरेक्ट भी किए हैं उनके साथ. और यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम इज़ ऑल अबाउट लाइक इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़.
एग्जैक्टली क्या होता है वहाँ पे जाने के बाद? सर पहले दिन तो हम लोग का वेलकम हुआ था वहाँ पे, उनके डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर जो थे रशिया के, वो उनके साथ हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुआ था। और उसके बाद मॉस्को का जो फेमस प्लेसेस है वहाँ पे हम लोग का एक विजिट था। बहुत सारे फेमस प्लेसेस हम लोग घूमे हैं, वहाँ का वर्ल्ड फेमस बोल्शॉय थिएटर में भी हम लोग गए थे, और कल्चरल प्रोग्राम्स भी हुआ, कल्चरल एक्सचेंज हुआ, डिफरेंट हम लोग उनका स्पोर्ट्स गेम्स मतलब खेले थे, उन लोग सिखाए थे हम लोग को, बहुत कुछ हुआ था सर। उनका यूनिफॉर्म कैसा रहता है? सर हम लोग जहाँ पे गए थे वो तो मॉस्को कैडेट स्कूल था, वहाँ पे यूजुअल मतलब जो स्कूल यूनिफॉर्म होता है वो लोग बच्चे लोग वही पहनते थे। बट जो बाहर के कैडेट्स लोग आए थे, मतलब एक दिन ऐसा हुआ था जहाँ पे किर्गिस्तान वाले भी आए थे, डिफरेंट कंट्रीज़ के आए थे, तो उनका बेसिकली थोड़ा अलग यूनिफॉर्म था सर। यू कैन सी इप्सिता का यूनिफॉर्म थोड़ा डिफरेंट है, कलर वही है लेकिन बैजेस हैं अलग। सो लेट्स नो फ्रॉम इप्सिता दैट व्हाट आर द बैजेस। सर दिस इज़ द बैच ऑफ कर्तव्य पथ विच आई हैव गॉट इन रिपब्लिक डे कैंप बिकॉज आई हैव मार्च्ड इन कर्तव्य पथ, एंड दिस इज़ द बैच ऑफ यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम रशिया, एंड नेशनल फ्लैग भी मुझे यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए मिला था, प्लस ये इंडिया का और NCC का ये आर्म्स टाइटल सब यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में ही मिला था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इप्सिता एंड YP, और आपको भी अगर कोई जाना है तो डेफिनेटली यू कैन लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। मेरे को पता चला इप्सिता के बारे में TV से। बहुत लोग बोलते हैं कि NCC में आने के बाद टाइम लॉस होता है, स्टडी हैम्पर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप NCC में आओ, देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर वेटिंग फॉर यू, आप कहीं पे भी जा सकते हो। तो डेफिनेटली ज्वाइन NCC, वर्क हार्ड एंड वर्क स्मार्ट, और प्रॉपर गाइडेंस में रहना है, सीनियर्स की बात मानना है, एंड स्टे इन टच विद योर CO, ही कैन गाइड यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।